धन वाहिगुरु साहिब जी। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना, तुमरी महिमा वर्ण न सको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। दीन बिसार उरे दीवाने, दीन बिसार उरे पेट भरियो, पशुआ जो सोयो, मनुख जन्म है हारियो। दीन बिसारे उरे दीवाने, दीन बिसारे उरे पेट भरियो, पशुआ जो सोयो, मनुख जन्म है हारियो। रहाओ साध संगत कब हूं नहीं किनी, रचियो तंदै झूठ, स्वान सुकर बाईस जिमै भटकत चालियो ऊठ। आपस को दीर्घ कर मने, औरन को लग मात, मनसा बाचा कर्मना, मैं देखे दोजक जात। कामी क्रोधी चातुरी, बाजीगर बेकाम, निंदा करते जन्म सिरानो, कबहू ना सिमरियो राम। कह कबीर चेत नहीं, मूरख मुगद गवार, राम नाम जान्यो नहीं, कैसे उतरस पार। कह कबीर चेत नहीं, मूरख मुगद गवार, राम नाम जान्यो नहीं, कैसे उतरस पार। परम सन्मान योग श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन अते पवित्र मुबारक हजूरी विच जुड़ बैठे अति सत्कार योग सत्संगी जनों, सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन गोद विच शामा वेले दे दीवान दियां हाजरियां भरदियां होयां सत्कार योग भाई साहब होना पासों आप जी ने पावन बाणी का कीर्तन सरवण किया है। उस तो उपरंत विचार अधीन शब्द जिसकी आपां विचार आरंभ करनी है, यह पावन शब्द भगत कबीर जी तिन्हां दी रसना तो उच्चारण किया होया, राग मारू अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 1105 उपर सुभायमान है। शब्द की विचार आरंभ करन तो पहला सारी संगत बहुत ही अदब सत्कार दे नाल फतेह दी पाओ सांझ आखो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कल दे शाम दे दीवान विच भी आपां इस शब्द की विचार कर रहे सी।
कि भगत कबीर जी ने साडा ध्यान दिवाया है कि हे इंसान मता सोची कि मैनू इस शरीर नू त्यागण तो बाद किसे जून विच पैना पैना है। उहदे नाल मेरा कोई मतलब नहीं। महाराज कहिंदे पवें जां ना पवें पर मैं तेरा ध्यान दिवाउणा चाहुंना। बहुतात गिनती विच बहुत पशु दीआं बिरतियां तू इस शरीर विच हंडा रहा है। कदों? जदों तू सच्चाई नालों अपना नाता तोड़ लैंदा है। भगत कबीर जी ने कहा दीन विसारियो, दीन नू विसार दिता, धर्म नू विसार दिता। हुण बंदा कहेगा मैं कितना विसारिया, मैं सवेरे दुकान खोलण तो पहला गुरुद्वारे मत्था टेक के जाना, सवेरे पाठ करके जाना, शामां नू भी आउना, दुकान तो बाद फिर नमस्कार करके सोदर का पाठ करके सोना, मैं ते कोई धर्म नहीं भुलाया। असल विच जिन्हू असी धर्म समझी बैठे हाँ बाणी कुछ होर गल कहिंदी है। पाठ पढ़िया बहुत जा रहे है, जदों गल विचार के मनण दी आउंदी है उदों कहिंदे ने जी समाज है, दुनिया विच तां फिर थोड़ा बहुता रीतां करनियां ही पैंदियां ने, समाज दी बिरती ऐसी है। पगां वालिओ जिन्हां ने बाणी उचारण कीती उह वी इसे समाज विच रहिंदे सन, जिन्हां ने बाणी उचारण तो बाद जिन्हां दा असी अरदास विच ना लैने आ ना, वो वक्री दुनिया च नहीं सी रहिंदे, भी उहनां वास्ते कोई दुनिया वक्री सी। जिस सिख नूं इत्थे ही आरे नाल चीरिया गया वह इसे दिल्ली च रहिंदे सन, कोई बाहरों थोड़ा आए सन। भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी जिन्हों अज सत्कार नाल रकाबगंज साहब कहने, एक किसी का घर सी, उहदा नाम भाई लखी साह सी। हर बंदा अपना घर अग लाउण लई नहीं बनाउंदा, घर बन रहा होवे ते कोई कहे तेरे घर नूं अग लग जाए ते मनुख किन्ना गुस्सा करदा है। हर इंसान चाहुंदा है मैं उस घर विच रहां ते किते घर नूं अग लग जाए ते बाहरलियां कंट्रियां ते बकायदा इंश्योरेंस वगैरह हुंदी है, घरां दी क्लेम कीता जांदा है, वह पैसे सरकारां कोलों लै जांदे ने। हुण उह कोशिश करदा है कि जिहड़ा मेरा नुकसान होया मैनूं मिल जाए, जाण बुझ के घर नूं अग लाएगा। किदां दा जनून होएगा सिख दे अंदर, किदां दा गुरु नूं हुण तुलना करिओ। सानूं पहला घर प्यारा, गुरु बाद विच प्यारा, पहला पुत प्यारा, गुरु बाद विच प्यारा। भाई लखी शाह इसे ही दिल्ली की धरती ते रहण वाले सन, जिन्हां नूं गुरु घर नालों भी वध प्यारा सी। सरकार चाहुंदी सी कि गुरु तेग बहादुर साहब जी का शरीर धड़ नालों जदों अलग किया जाए तो इन्हां दे शरीर नूं कोई साढ़े तो डरदा हाथ ना लावे ते शरीर की बेद भी होवे ते इह दहशत पै जाए जिहड़ा भी सरकार का बागी होएगा उहदा हशर इहो होएगा। पर गुरु के सिखां ने औरंगजेब दे मूँह ते इक हिसाब की करारी चपेड़ मारी सी, जदों सीस नूं भाई जैता पंजाब वल नूं लै गए ते धड़ नूं भाई लखी शाह अपने घर लै गए। कौन सन भाई लखी शाह? जिहड़े भाई मनी सिंह जिन्हां दा बंद बंद कटिया गया इन्हां उहनां दे सहुरे सन। भाई मनी सिंह जिहड़े दरबार साहिब दे किसे समय मुख सेवादार रहे, ग्रंथी रहे, प्रबंधक रहे, संचालक रहे, वह भाई लखी शाह वणजारे दे जवाई हन। भाई उदय सिंह, भाई बचित्र सिंह, भाई लखी शाह वणजारे दे दोते हैं। सिखी परिवारां च पलदी है, बाणी गाउण वास्ते नहीं है, इस बाणी दे नाल पैसा बहुत कमाया है साढ़े समाज दे लोकां ने, घर बहुत वड्डे बनाए ने बाणी सुना सुना के। मेरियां गल्लां कईयां नूं चुभदियां ने क्योंकि मैं खुद प्रचारक हाँ, मैनूं पता है मैं विच रहिंदा हाँ। बाणी गा के भाई मतीदास की साखी सुनाउणी बहुत सौखी है, भाई दयाला जी का इतिहास सुनाउणा बहुत सौखा है। बच्चे का दिल कढ़ के बंदा सिंह बहादुर के मूंह च पाया गया, पूछया गया गुरु प्यारा है कि पुत्र प्यारा है, कहिंदा गुरु प्यारा है, सिद्धांत प्यारा है। जे इदां दी तुलना साढ़े सामने की जाए अज मैं कहांगा नहीं, पुत प्यारा है, गुरु तो यह नहीं तो कितने होर चले जावे, पुत ने तो कमाई करके लियानी है।
फिर इन्हां लोगों का नाम थोड़ा रहिंदा है। वैसे दुनिया ते बंदा, वैसे मैं बेनती करा, सिखी सानू को मरन मराउण दीआं गल्लां नहीं दसदी। सिखी एक जीवन जाच है जो इहनू पेश कीता गया है ना, वी सिख मार धाड़ करन वाले हुंदे ने, इह लोगों ते जुल्म करन वाले हुंदे ने ना। सिखी दी विचार नू कदी पढ़ के विचार के वेखो, सिखी एक कौमी दर्द रखण वाली विचार है, सारे नाल प्यार करन वाली विचार है, दूजियां दे दुख तकलीफ नू अपने ते जरन वाली विचार है। ते दीन दा अर्थ है इंसानी फर्ज, इंसानियत दे फर्जां दी पहचान करनी। दीन बिसारे उरे दीवाने, दीन बिसारे उरे, कह लगे पेट भरियो पशुआ ज्यों सोयो। जिवें पेट भर के पशु खांदा है, पशु सौ जांदा है, बंदे तेरी भी ते हालत उही है। काम ते जाना है, काम समाप्त हुंदा है, घर आ जाना है, घर आके रोटी खाना है, सौ जाना है, सवेरे उठदा है, नाश्ता तैयार हुंदा है, तैयार हुंदा है, चले जाना है। दस तेरे इस जीवन का दुनिया नू की लाभ है? तेरे बच्चों नू ते लाभ होए गए, क्योंकि तू उन्हां दा बाप है, तू उन्हां दी मां है, तू उन्हां दी दादी है, दादा है। दुनिया नू की लाभ है तेरे जीवन का? कुछ अपने जीवन चो किसी का भला भी किया है? कभी किसी का दुख वंडाया है? कभी किसी की पीड़ा नू अपनी पीड़ा समझ के हंडाउण दा यतन किया है? कभी किसी के दर्द नू अपने शरीर ते धर्म दा अर्थ केवल चिन्ह धारण करना नहीं, धर्म दा अर्थ केवल पाठ पूजा नहीं, धर्म दा अर्थ है इंसानी फर्ज समझ के उहदे ते तुरन दा यतन करना, जिन्ना भी हो सकता है ना चाह के भी किसी का हक ना माया जाए। कई बार कहा जाता है कि असी किवें अपने जीवन नू सवारीए, बड़िया सौखिया तरीकां ने, बड़े सौखे तरीके ने, बाणी विच लिखे हुए ने। तुसी एक कापी पेन लै लो, अपनियां सारियां माड़ियां आदतां लिख दिओ जिन्नियां भी हैगियां ने, भी मैनू किसी का काम वेख के बड़ी जलन हुंदी है, लिख दिओ ईमानदारी दे नाल, मैनू खुशी नहीं हुंदी। जे हुंदी है, जे ते जलन हुंदी है तो लिख देना चाहिए। गुरु रामदास पिता जी की बाणी पढ़ते एक बार ध्यान गया महाराज, कहते सब वडियाईयां हर नाम विच, जे गुरमुख त्याई है। सारिया वडियाईयां वाहगुरु परमेश्वर के हुक्म विच तुरिया प्राप्त हुंदियां ने। जे वस्त मंगीए साई पाई है, जे नाम चित लाई है। कहते गोच गल जी की कीचै सतगुर पास, तां सर्व सुख पाई है। गोज गल पता केड़ी हुंदी है? जिहड़ी व्यक्ति अपने अंदर छुपा के रखे, जिहड़ी किसे नाल सांझी ना करे। बड़ियां ऐसियां गल्लां ने जिहड़ियां असीं गुरु दे अगे आण के सांझियां नहीं करदे। मंगदे जरूर हां गुरु कोलों, पर कदी यतन कीता महाराज तुहाडी बाणी अनुसार मैनूं तुरना आ जाए, तुहाडी बाणी मुताबक सानूं जिंदगी जीउणी आ जाए, तुहाडी गुरबाणी मुताबक मैं अपना सुभाव बदल लवां। भाई सुथरे साह नां दा एक बहुत कमाल का व्यक्ति होया है, गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज के वेले दसम पातशाह तक रहा। वो गुरु तेग बहादुर महाराज का दरबार सजिया होया है, संगत आउंदियां ने, भेटावां चढ़ाउंदियां ने, विचार आउंदियां ने। भाई सुथरे साह ने की किया भी दो रुपये चुक ले, दो पैसे चुके ते जेब च पा लै, संगत दे जिहड़े सामने पैसे चुक लै। सुथरा हास रस विच बड़िया गोझ गल्लां गुरमत दियां समझा जांदा सी। दवान सजिया होया, कीर्तन हो रहा है, विचार हो रही ने, सुथरे ने दो चुके ते जेब च पा लै। हुण कईआं दा ध्यान होंदा, जिहड़े ते विचार सुणन आए सी उहनां दा ध्यान नहीं पिया, ते कईआं दा ध्यान होंदा भी किहड़ा किहड़े रंग दे कपड़े पा के आया है, इहने मत्था टेकण लग्गिआ किन्ने टेके ने, किन्ना चिर बैठा है, इह किन्ने वजे आया है, सब तों मगरों आया है, इहने ते सुणिआ ही कुछ नहीं। कई दूजिआं वल वेखदे, सुण तेरे वास्ते होण दी कथा, ये तेरे वास्ते कीर्तन हो गया, मेरे वास्ते नहीं। सुथरे ने जेब च पा लिया। दीवान समाप्त होया, महाराज को शिकायत गई। महाराज सुथरे ने हद मुकाती, पहला ही बड़ा गलत हरकत करता सी, संगतां नू भद्दे शब्द बोलता सी, महाराज अज ते कमाल ही कर दिती, तुहाडी संगत विचों इहने जिहड़ी संगतां भेटावां चढ़ाउंदियां उहदे विचों दो रुपये चुक लै। सुथरे दा ये बहुत डूंगी रमज सी सुथरे की। असल में सुथरे नूं बुलाया गया महाराज के कोल, क्यों सुथरे चुके ने? कहिंदा महाराज मैनूं ते मैं तो चुके कोई नहीं,
बार बार कहते महाराज वेख लो मुकर गया जी, हुणे चुके मुकर गया तुहाडे सामने, क्यों सुथरिया चुके ने। सुथरा मना करी जावे तो जिहड़े संगत विच जिन्हां वेखिया सी ओह कलपी जाण होर गुस्से नाल, नहीं महाराज वेख लो तुहाडे सामने मुकरी जांदा जी, सुथरा कही जावे मैं चुके नहीं, चुके हैगे सी उहने। अखीर सुथरे कहता कहिंदा हां महाराज चुके ने। वह बड़े खुश हुए कहिंदा वेखिया महाराज मन गए ना, चुके ने ना। सुथरा कहिंदा मैं तो फे चंगा हाँ, मन ते गया गुरु को लैके, तुसीं इन्ने ना शुकरे जी तक मनते नहीं भी इन्हें दिता सानू, मैं ते तुहाडियां दो गल्लां तो बाद मन ते गया ना भी इथों इन्ना कुछ लिया। वह भलिओ तुसीं दस दस रुपये गोल च पा के पता की कुछ मंगते हो, मैनू 20 लाख की दुकान गुआढ़ी वाली जिहड़ी विकदी है देवा दे, मेरे पुत्र नूं अमेरिका का वीजा लवा दे। कहिंदा मैं 2 रुपये अपने बापू दे बापू कोलों चुके ने, मैं ते 2 चुके ने ते मन गया, तुसां ते बहुत कुछ चुकया। कदी पुछया ओ भलिओ गुरु की सोच किड्डी उची है, तुसां गुरु दे कोलों आण के पुत धीआं पदार्थ दुकाना कारोबार मंगदे हो, गुरु की सोच किड्डी उची है। कदी गुरु दे कोल आण के पुछया गुरु पातशाह तुहाडी सोच की है, वह मनुखता का भला करना चाहते ने, वड्डे वड्डे राजे जिहड़े लोगों की रत पी रहे ने, वड्डे वड्डे काजी मुलाने जिहड़ियां गलत अरदासां अल्लाह दे चरणां च कर रहे ने, उन्हां सारिआं नूं सही रस्ते पाउणा चाहते ने गुरु पातशाह। कदी उस मुहिम विच तुसीं शामिल होए, गुरु पातशाह बहुत वड्डी जंग लड़ रहे ने, तुसीं गुरु दे कोलों आण के अपने पुत्तर ते घरां दे पदार्थ मंग रहे हो, ना शुकरा मैं आ कि ना शुकरे तुसीं हो। मैं ते फिर छोटा, मैं ते 2 मंग के मन ते गया, तुसां ते फैक्ट्रियां मंग लईआं, कारां मंग लईआं, जमीन, तुसी पदार्थ मंग के अपने बच्चों का सुभाग गुरु के बच्चों मुताबक बनाने की कोशिश नहीं की थी। मैं सवेरे भी गल कही थी, शायद सारे ने टाइम टीवी तो ना सुनिया हो, एक बार गल दोहरा दें, इस देश विच एहसान फरामोश लोगों की गिनती घट नहीं बहुतात है। बंगाल का पत्रकार सी ते लंडन दे विच गया, एक झील के कंढे ते बैठा सी, एक गोरा उहदे कोल बैठा सी, जो गोरे ने इंडियन वेख्या तो वह अलपिट कर ली। 2 मिनट बंगाल का पत्रकार वेंदा रहा, अखीर गोरे नूं जाके कहिंदा भी मैं इंडिया तो आया, तू मेरे वल वेख, तू मेरे तो नफरत क्यों करदा। कहिंदा इंडियन जिहड़े हुंदे ने इह ना शुकरे हुंदे ने, ईडियट हुंदे ने, 2-4 भद्दे लफ्ज़ बोले। कहिंदा मैं तैनूं कुछ भी नहीं कहा, मैं तेरे कोल झील ते बैठा, तू मैनूं इन्ने भद्दे शब्द क्यों बोले। गोरा कहिंदा पता क्यों बोले, सुनना ध्यान ना आना। वह गोरा कहिंदा इस करके बोले, अज तो कुछ साल पहला इसे झील के कंढे ते मैं बैठा सी, एक इंडियन जोड़ा आया, वो बैठे हुए सन, उनका बच्चा खेड़दा खेड़दा इस झील में जा डिगा, इस झील में डिगण की देर सी, मेरा ध्यान पै गया, मैं जाके तारी ला के उस बच्चे कढ के मां के हवाले किया। कहिंदा मैं हैरान सी, मां बाप ने बच्चे का तो मत्था चुमिया, उन्हू तो पलोसिया, उन्हू तो प्यार किया, मेरे वाल एक बार मेरा धनवाद करना तो दूर, मेरे वाल वेखिया भी नहीं भी कढ़न वाला जीवंदा है कि मर गया है। कहिंदा फिर इंडियन लोग एहसान फरामोश ना होए तो फिर होर कौन होए। बंगाल का पत्रकार यह गल बनिया, कहिंदा वाकई है तू जो कहा गल सची है, वाकई असी एहसान फरामोश हाँ, असी तो अपने गुरुआ का मुल, एक बंगाल का पत्रकार कह रहा है सानू सिखां नू भुल गया, प्रचारकां रागियां सानू भुल गया कि साडे गुरु ने साडे विटते किड्डे परोपकार किए ने। बंगाल का पत्रकार कहिंदा वाकया तू सची गल कहना हाँ, असी वाकया बड़े एहसान फरामोश हाँ, गुरु ने अपना आप वार दिता, अपने पोतरे वार दिते, अपनी पत्नी वार दिती, अपना सब कुछ वार दिता, असी गुरु को पदार्थ ते मंगते हैं पर अपने बच्चों का सरूप ते अपने बच्चों का सुभा गुरु साहब के पोतरिया वर्गा बनाने नूं तैयार नहीं हाँ। वाकया असी एहसान फरामोश हाँ, कि यह कोई स्वीकार करेगा, कोई इस गल नूं मन्नेगा कि वाकया एहसान फरामोश हाँ। असी पदार्थ मंग के लै जाने कभी यतन किया कि सच्चे पातशाह साडे बच्चों का सुभाव ही तुहाडे बच्चों वर्गा होवे, आचरण उन्हां वर्गा होवे, किरदार उन्हां वर्गा होवे। असी जिवें बाकी धर्मां दे लोकां ने एक हट्टी बना लिया, उदां बना लिया भी इत्थे कुछ दिओ ते अरदास कराओ ते पदार्थ मिल जाने ने, पदार्थ ते उदां भी मिल जाने ने, भले उह ना मंगोगे तां भी मिल जाने ने, प्यो है रब, उहने भुखा नहीं सानूं मरन देना। नाले इक बेनती करां,
गुरु नानक साहब पदार्थ मंगण वास्ते नहीं सी आए ते पदार्थ मंगण दी प्रेरणा देण नहीं सी आए। पढ़ो भाई साहब भाई गुरदास जी नूं भाई साहब कहिंदे ने जारत कर मुल्तान दी, जदों यात्रा मुल्तान दी करके फिर करतारपुरे नूं आया, चढ़े सवाई दैद सी कलयुग नानक नाम त्याया, बिन नावें होर मंगना, बिना नाम तो बिना गुणा तो गुरु को आण के कुछ होर मंगना पता की है, सिर दुखां कै दुख सबाया, बिन नावें होर मंगना, सिर दुखां कै दुख सबाया। ते असी तो दुख ही मंग रहे गुरु को आण के, कदी चंगी विचार मंगण दा यतन नहीं कीता, कदी सच्चे पातशाह जी दे कोल चंगा सुभा अपने जीवन दे विच धारण करन दा यतन नहीं कीता। हुण गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने जिहड़ा ख्याल बाणी विच बख्शिश कीता है, किन्ना पारोपकार कीता उन्हां भगतां दी बाणी उन्हां भट्टां दी बाणी नूं तरतीब दे के मनुखता दे कल्याण वास्ते ये विचार रख दित्ती। पाठ बहुत हो रहे ने कोई शक नहीं, किते चले जाओ चलीए कट्टे जा रहे ने चलीसे, जिवें ब्राह्मणा च हनुमान चलीसा कट्टे जांदा सिखां च वी चलीसा आ गया। यह चलीसा कहदा सुखमणी का चलीसा, जपजी साहब का चलीसा। अज ही मैनू घटना का पता लगा, मैं बंगला साहब जदों सवेरे बोलिया ना कि असी दुकाना खोल लईआं, भी जे आह शब्द पढ़ोगे तो आह होएगा, आह शब्द पढ़ोगे तो आह होएगा। मेरा एक दोस्त है मित्र है जलंधर के, वो बिल्डर है कोठियां तैयार करता, वो कहिंदा मैनू एक दिन जाना पिया आ इत्थे एक कोर्ट दे विच, कहिंदा उत्थे एक गुरसिख मिलिया मैनू, कहिंदा हैगे असल च मेरे जानकार सी, मैं पुछिया तुसीं इत्थे की करदे हो, कहिंदा धी व्याही सी अपनी, सहुरे वाले बड़े खराब करदे ने मेरे कुड़म जिहड़े ने, असी केस कीता, बस जितने वाले आ केस साडे हक च हो जाणा। कहिंदा मैं पुछ बैठा भी ये केस तुहाडे हक च किवें हो जाणा, तुहानू किवें पता? कहिंदा बाबा जी कोलों शब्द लैके आए आ, ते 25 दिन हो गए शब्द पढ़दे आ, 15 दिन रह गए ने, 40 दिन लगातार शब्द पढ़ना, ते वकील दी की मजाल है, जज दी की मजाल है, साडे हक च फैसला ना सुनावे, जज ने बदो बदी फैसला साडे हक च सुना। सुनना हुण तुसीं अगली गल गजब दी सुनना। कहिंदा मैं कहा तुहानूं यकीन है भी ये शब्द दे नाल फैसला तुहाडे हक च होगा? कहिंदा बिल्कुल। कहिंदा शब्द किहड़ा? कहिंदा गुरपूरे मेरी राख लई, अमृत नाम हृदय मैं दिनो जन्म जन्म की मैल गई। कहिंदा मैं उत्थों निकलिया ते अगे बन्ने मैनू उन्हां दा एक कुड़म मिल पिया, असल च दोवें मैनू जाणदे सी, लड़के दा बाप पहला लड़की दे पिता ने कहा भी असीं शब्द पढ़दे केस साडे हक च हो जाणा। कहिंदा फिर मैनू लड़के दा बाप मिल पिया, मैं कहा जी तुसीं ज्ञानी जी इत्थे किदां? कहिंदा जी साडा असीं अपना पुत व्याहिया सी ते उह साडे पुत दे सहुरे जिहड़े उह बड़ा तंग करदे ने, असीं केस कीता उन्हां ते, हुण उहने इह नहीं दस्सिया कि मैं तुहाडे कुड़म नूं मिल आया पहला, उह वी कोर्ट च मैनू मिलिया। कहिंदा पर काम हो जाणा साडा, थोड़े दिनां बाद मुकदमा साडे हक च होणा। कहिंदा उह किवें? कहिंदा बाबा जी कोलों शब्द लिया सी। कहिंदा अच्छा। कहिंदा किहड़ा शब्द लिया? कहिंदा गुरपूरे मेरी राख ली। हुण महाराज नूं महाराज दे विच महाराज नूं टकरा रहे आपस विच, ते बाबिआं दा बेड़ा ना गर्क होएगा तां की होणा भला? हैं हुण जे मैं तुहानूं बाबे दा नां दस्सदा, मैनूं पता है तुहाडे चों दो चार बंदे उहनूं मन्नण वाले बैठे होणे ने, बाबा नहीं उह रागी आ अमृतसर दा, नाले मैं कहड़ा उन्हां कोलों तनखाह लैनी, मैं ते गुरु का प्रचारक हाँ, मैं खलासी जी गल सीधी करदा। हुण गल सुनो, अगली गजब की गल सुनो, जिहड़ी उस लड़की के बाप ने गल कही सुनना, हुण गुरु तो विश्वास उठाया जा रहा साडा इहो जिहियां गल्लां करके। कहिंदा लड़के का बाप कहिंदा है थोड़े दिनों बाद मुकदमा साडे हक च हो जाणा। कहिंदा उह किवें? कहिंदा शब्द जो लैके आए हां भाई साहब हुणा कोलों बाबा जी कोलों। कहिंदा अच्छा। कहिंदा शब्द किहड़ा? कहिंदा गुरपूरे मेरी राख ली। कहिंदा मैं बैठा सोच रहा सी भी शब्द वह भी गुरु साहब का पढ़ रहा है, यह भी गुरु साहब का पढ़ रहा, जिहड़ा भी जित गया वह तो गुरु पातशाह ते आऊगा झूलदा ते वारे वारे न्यारे करदा, जिहड़ा जिहदा मुकदमा गया हार वह की कहूगा गुरु बारे? हुण सुणियो हुण। कहिंदा मैं नहीं दस्सिया उहनूं भी तुहाडा कोलों भी इहो शब्द पढ़ लिया, भी शब्द ही बदल लो, बाबे नूं कह शब्द ही बदल के दे दे। हुण उह जिहड़ा बाबा असल च विचोला है उहनां दोवां दा विचोला, रिश्ता भी उन्हें ही कराया, वह भाई साहब उन्हें रिश्ता कराया जिहड़े खुद कीर्तन करते हैं। कहिंदा मैं थोड़े दिनों बाद गया तो मुकदमा जित गया, मुकदमा लड़के वाले जित गए, मुकदमे वाला जिहड़ा पलड़ा सी वह लड़के वाले का भारा हो गया, लड़की वाले मुकदमा हार गए। कहिंदा मैं लड़की के बाप नूं मिलिया, मैं कहा हाँ जी की बनी गल?
ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਹ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਾਪ ਜਲੰਧਰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਆਪ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਲਾ ਲਿਆਊਂ। ਇਹ ਕੋ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਵਾਪਰੀ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਹੈ, 350-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੁਣ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੁਣ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਘੱਟਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਤਾਕਤ ਘਟੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਕਤ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਸਰੋਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਕਤ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਨਾਲੇ ਰਿਸਕ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਧਮਕੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਰਿਸਕ ਲਵੇਗਾ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲੋ। ਪਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਤਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਧੀ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭੈਣ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਟਕਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਟਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਪੋਥੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜਾਰਾ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁਣ, ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮੇਰੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋ ਤੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ ਕਾਹਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਤੱਕਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਆਪਣੇ ਹਾਨ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਦੀਨੋ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ, ਮੇਰੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ, ਘੱਟ ਹੀ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਸਤ ਹੈ, ਬਹੁੜ ਜਨਮ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਗਲਤ ਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਲਈ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਰਾਗੀ ਸ਼ਬਦ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ, ਗਲਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਦੇਸ਼ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਆ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਅੰਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾਈਂ,
ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਗਧਾ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗਧਾ। ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੇ। ਇੱਕ ਵਾਲ ਗਧੇ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪੁੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲ ਮੈਂ ਪੱਟਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ, ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਹਿਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਪਤਾ ਕੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗਧਾ ਹੀ ਗੰਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚੌਂਕ ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਪੁੱਟਿਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਣੇ ਬਹਿਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਗਧੇ ਦਾ ਪਿੰਡੇ ਤੋਂ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਦੇ ਵੇਖਦਿਆ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਪੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਗਧਾ ਕਰਾਮਾ ਧੀਉਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਧਾ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਿਆ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਗਏ ਮੱਥੇ। ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਗਿਆ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੈਨੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਦੀ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਮਗਰ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਨਦੀ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੁੱਜਰ ਸੀ, ਗੁੱਜਰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਤੇਲ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਚਾਦਰਾ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਡੰਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖੇਤ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਵਲੇਟੀ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁੱਜਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਇਆ। ਉੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਕੀਤਾ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਨਿਚੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁੱਜਰ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਲੱਭੇ। ਇਹ ਜੰਮੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਲੱਭੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਚਾਦਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਬੰਨੇ ਵਲੇਟਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਲਟੇ 'ਚ ਨਿਚੋੜਨ ਡਹਿ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਧੋਣ ਡਹਿ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚਾਦਰਾ, ਉਹ ਧੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਹਿ, ਪੀਣ ਡਹਿ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਦਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਨ ਮੂੰਹ ਚੁੰਗਲਾਂ ਮਰ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਗੁੱਜਰ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਹਿਮ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਟਿੱਕ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਪਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੁਜਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ, ਪਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਮ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਲੌਜਿਕ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੜੀ ਕੋਮਲ ਜੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤੀ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਟੇਕੋ ਮੱਥਾ, ਟੇਕਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਤੋ, ਕਿਹਾ ਖੂਬ ਤਰੱਕੀ ਕੀ, ਹੇ ਬੁੱਤੋ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤੀ। ਬੁੱਤੋ ਕਿਹਾ ਖੂਬ ਤਰੱਕੀ ਕੀ, ਜਬ ਤਰਾਸ਼ੇ ਨਾ ਥੇ ਤੋ ਪੱਥਰ ਥੇ, ਤਰਾਸ਼ੇ ਗਏ ਤੋ ਖੁਦਾ ਬਣ ਗਏ। ਪੱਥਰੋ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਹੈਗੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਕੇ ਪਾਥਰ ਕੀਜੇ ਭਾਓ, ਦੂਜੇ ਪਾਥਰ ਧਰੀਏ ਪਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਪੱਥਰ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਚੁਕਾਉਂਦੇ, ਦੱਸੋ ਜੇ ਉਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਵਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ, ਜੇ ਕਵੇ ਵੀ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ, ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ।
एके पाथर कीजे पाओ दूजे पाथर धरिए पाओ जे ओ देओ ता ए भी देवा पाखान गढ़ के मूर्त कीनी दे के छाती पाओ जे ए मूर्त साची है तो गढ़ नारे खाओ जे वाकया मूर्त सची है तो जिन्हें ये पहला छैणिया हथौड़िया मारिया ना सब तो पहला उन्हू लुट दी। पत्थर तैयार किया गया पुजारी ने चकवा के ते लिया के धार्मिक स्थान च स्थापित कर दिता। बंदा आया पत्थर दे टुकड़े अगे आण के अरदासां कर रहे हैं मंगा मंग रहे लंबिया लंबिया मंगा मंग रहे हैं। पुजारी बड़ा खुश है पुजारी नूं पता भी जे मेरे पल्ले कुछ नहीं ये पत्थर का टुकड़ा सी मैं आप बनवाया आप कारीगर दे कोलों नक बुल तैयार करवाए आप इनू रंग कराया आप इते कपड़े पाए इहदे अगे पकवान रखे जांदे खांदा मैं हाँ। जे पत्थर दे टुकड़े दे पल्ले कुछ नहीं पल्ले मेरे भी कुछ नहीं ते जिहड़ा पत्थर दे खलो के अगे मंग रहा पल्ले इहदे भी कुछ नहीं। उहनूं पता लग गया ना भी जे सियाणा हुंदा ते मेरे ते आण के सवाल करदा भी इह की मैं को टेका मथा बई सानू सतगुर ने इन्हां कर्म कांडा चो कढ़िया सी सिख सोचेगा नहीं सोचेगा कदी जिहन विच विचार नहीं करेगा। मैं इलाहाबाद गया किसी के घर ठहरिया सी तुर लगे तो मैनू परिवार वाले कहिंदे ज्ञानी जी साढ़े घर अरदास कर जो तुर लगे हैं। मैं कहा जरूर करांगा जी कादी करवानी है सिखी चढ़दी कला च रहे। मैं कहा जरूर किथे करनी है महाराज का प्रकाश घर है जे ते प्रकाश ना हो फिर किसी बन्ने भी मूँह करके अरदास की जा सकती है। मैं तां पुछया भी प्रकाश हैगा तो महाराज के सरूप अगे जाके करा जे महाराज का प्रकाश नहीं हैगा तो फिर किसी बन्ने मूँह किया जा सकता है किसी बन्ने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षण वहम च नहीं करना भी नहीं इधर ही करना है। पर असी वहम करते सीधे पुत नूं जदों सगन लगना होंदा ना कहिंदे चढ़दे वल नूं करो मूँह इहदा लेंदे वल नूं ना करो। मैं पुछया जी सरूप हैगा कहिंदे हैगा जी। मैं कहा चलो मैं थले ठहरिया सी उन्हां दा उपर घप रहे सी मैं चले गया उत्ते। मैं कहा कित्थे सरूप है जी कमरे च लै गए मैनू हाथ करके जी वेखो किन्ने ने बाबियां दीआं फोटोआं लाईआं कंधां ना तरह तरह के बंगे रंग बिरंगे बाबे पंजाबी परिवार। मैं कहा कित्थे ने गुरु कित्थे है कहिंदा वेखो जी किन्ने। मैं कहा दुहाई रब दी ये दीवे थले नेरा। मैं क्या मैंने दो रात हो गई इन्होंने घर रिंदियाँ इतने पता ही नहीं सी आग भैणा वापर गया माण ना कण साढ़े घर फलाना रागी भी आया साढ़े घर फलाना कीर्तनिया भी आया साढ़े घर फलाना प्रचारक। मैं क्या बस नाश्ते करा के रोटियां खवा के तोर देंदे रह जे कदी पुछया नहीं उन्होंने। वैसे असल दे विच ना महात्मा बुद्ध दे नाल बड़ी कमाल की गाथा जुड़ी हुई है। एक महात्मा बुद्ध दे कोल एक किसान गया किसान खेत वाहन वाला सुनियो ध्यान ना। महात्मा बुद्ध नूं जाके कहिंदा जी मैं तुहानूं रोटी खवाउणा चाहुंदा घर खड़ के मेरी एक शरदा। कहिंदा ठीक है। किसान महात्मा बुद्ध नूं घर लै गया महात्मा बुद्ध ते अपने नाल भिक्षु लै के जाके रोटी खाण बह गए। जदों महात्मा बुद्ध दी विचार चली सी ना वह माड़ी नहीं सी वह पखंड दे विरुद्ध सी। एक बार महात्मा बुद्ध ने इस भारत विच्चों पखंडवादियां जड़ा हिला के रख दित्तियां। जिन्हें पढ़िया होवे बुद्ध धर्म नूं पता होगा बुद्ध की फिलोसफी की सी सोच माड़ी नहीं सी बुद्ध की। किसान घर लै गया घर जाके उन्हें थालियां सजातियां रोटियां अगे रख दित्तियां तरह तरह दियां खीरां रायते तरह तरह के पकवान तैयार करके रख दिते रखे ना। जदों खाण लगे तो किसान सवाल करदा महात्मा बुद्ध ते काश कितने सानू करना आ जाए सवाल प्रशादा छकाउण तो पहला किसी रागी ढाडी प्रचारक ते। किसान कहिंदा बुद्ध जी एक सवाल करना चाहुंदा। कहिंदा की? कहिंदा मैं किसान आ सारी दिहाड़ी खेतां च हल वाहुणा आ जिहड़ी तुहाडे सामने रोटियां पईआं ने दाल सब्जी पई है इस नूं कमाउण विच तुहाडा कोई भी योगदान नहीं है। मेरी घरवाली ने हत्थी आटा तैयार किया हत्थी सब्जी तैयार की है मैं खेतां सब्जी बीजदा मैं मेहनत करदा मेरे परिवार ने मेहनत करके सारी रोटी तैयार करके तुहाडे अगे रखी है मैनू दसो तुसीं इन्ने जाने मेरे घर रोटी खाण आए हो इस रोटी ते तुहाडा किवें अधिकार है तुहाडा की हक है। आपां किसे ढाबे ते रोटी खाण जाने बाद विच बिल देना पैंदा है ना। पर जदों असीं धर्म की दुनिया चाहुंदे हां ते फिर उत्थे धक्के नाल खवाया जांदा। एक होर लाओ जी कई कहणगे एक होर लाओ जी
एक फुलका और लो जी धक्के नाल। दरबार साहब का रागी अमेरिका गया तो कहिंदा असी ना तीन जाने सी नाल एक रागी ते प्रचारक असी सैर कर रहे सी सड़क के कंढे। एक सरदार साहब गड्डी लैके आए तो लागे आण के साडे डक दित्ती कहिंदा जी बैठो। असी बह गए कहिंदा ढाई बजे असी दो बजे प्रशादा करके गुरुद्वारे निकले सी भी चलो सैर कर रहीए शामां नूं फिर कीर्तन करना। कहिंदा भाई साहब असी हैरान हो गए गड्डी वाले ने लिया के साडे अगे गड्डी डक दित्ती असी बह गए। सानू उन्हें पुछया नहीं कित्थे जाना कित्थों आए जे असी बह गए बहिंदिया सारी कान नूं फोन ला कहिंदा लब गए ने लैके आना मैं बहिंदिया सारी कहिंदा लब गए ने लैके आना। कहिंदा मैं क्या बाहर आए हाँ कितने कोई जब ही ना पै जाए इतों के कानून बड़े सख्त है कोई गलती ना होगी हो पुलिस ना फड़ा देंदे हो बंदा भी सरदार जापदा। कहिंदा असी साढ़े सह एक आवे तो एक जाए अं हैरान सह रोक रोक के असी गड्डी च पंजे जाने बैठे गल नहीं की असी रस्ते रवा रवी करते असी पूछा जी साडा गुरुद्वारा तो उधर रह गया। कहिंदा चुप करके बह जाओ तुहानू असी होर कितने लैके जाना। कहिंदा घर लै गए मैं कहा जी ये की है। कहिंदा मैं पूछा कहिंदा जी साडा घर है। आंदा जय गए तो जाते कहते जी ज्ञानी जी बह जाओ प्लेटा रख दतियां कौलियां रख दतियां सब्जियां पाउणियां शुरू कर दियां। असी पुछे जी ये की। कहिंदा जी प्रशादा नहीं जी असी तो दो बजे गुरुद्वारे छाके तो फिर सैर कर निकले हाँ सा असी रोटी खाए हाँ ना ज्ञानी जी ये तो खानी पैनी है मेरी तो घरवाली दे दादे दा श्राद्ध है। मैं तो सवेर के दस गुरुद्वारे फोल मारे मैनू तो पांच बंदे नहीं सी लभदे शुक्र है तुसीं मैनू लभे तां घरवाली नूं फोन कीता लभ के लै गए आना मैनू तो तुहानू वेख के चाह चढ़ गया। आंदा मैं कहा जी एक बेनती करा असी तो खा के तुरे हाँ असी नहीं खा सकते। नहीं जी ये तो शरदा है साडी साडी शरदा है ना खाओगे तो असी अहीं तो गुस्से हो जाना साडी शरदा है तुहानू खानी पैनी है। हुण साडे विच ते दूजिआं विच फर्क वेखो की है। जिन्हां घरां च रागी ढाडी प्रचारक प्रशादे छाके जांदे ने बच्चिआं नाल दो मिंट गल्लां करन तों गुरेज करदे ने इहनां नूं कोई गुरू की गल पुछो पुत्तर नूं आवाज़ मारो बेटा इधर आओ पंजां पिरां दे नाम सुणा वो जिन्नी खाधी कम से कम उहदा मुल अदा कर आईए। किसान ने बुद्ध नूं पुछिआ किसान कहिंदा बुद्ध नूं कहिंदा बुद्ध जी आ जिहड़ी तुहाडे अगे रोटी पई है तुसीं मैनूं सिद्ध करके दसो तुहाडा इहदे ते हक किवें है। बुद्ध बड़ा खुश होया कहिंदा मैनूं खुशी होई है पहली बार किसी ने मैनूं पुछिआ कहिंदा मैं दसां हुण हक किवें है। तू भी बंजर धरती तैयार करके विच बीज पाया है बीज जिहड़ा है वह वड्डा होया है फसल पक्की है तू वढ़ के पका के साडे अगे रखी है असी भी बंजर पैलियां च बीज बीजदे हां। वह बंजर पैलियां कहड़ियां ने कर्म कांडा ने बंजर कीतियां होईयां ने पखंड वालियां दीआं है पखंड करके पैली विच कलर पिया होया है असी उहनां दे विच तत गुरम दीआं विचारां बीजदे हाँ। तुसी फसल बीजदे हो असी चंगे गुण बीजदे हाँ। असी संसार दे लोकां नूं वहमां भरमां पखंडां कर्म कांडां तों कढ के संसार दी लुट तों बचाउने हाँ। वड्डे वड्डे राजे वड्डे वड्डे काजी वड्डे वड्डे मौलवी वड्डे वड्डे ब्राह्मण जिहड़े लोकां दा खून चोड़दे ने असी पब्लिक नूं जागृत करदे हां कि अपने हक दी राखी करनी सिख जाओ असी इदां दी फसल मनुखता दे हिरदिआं विच बीजदे हाँ। जदों 15 मिनट दा बुद्ध ने लैक्चर कीता ना किसान गदगद हो गया कहिंदा इहो ही ते मैं सुनना चाहुंदा सी कि जिहड़े हर किसे दे घर जाण वाला धर्मी बंदा उहनां नूं दो गुरु दीआं गल्लां सच दे नाल जोड़ के आए ते प्रशादा छकाउण वाले दा कोई एहसान नहीं होएगा। ओ अपना मुल दे आया जिन्ना प्रशादा छकाउण वाले ने मेहनत कीती उहने उहदे बच्चिआं नूं कुछ मिनट गुरु की गल सुना के अपना फर्ज अदा कर दिता। पर हुण फैसला तुसी कर लो अज असी पंज प्यारे घर खड़न दा यतन करदे हां पर कदी यतन कीता भी कोल बह के पुछिए कोई सवाल कोई गुरमत कोई गल कोई बात। मैनू कहण लगे ज्ञानी जी करो अरदास। मैं कहा किहदे अगे करां कहिंदे आ वेखो किन्ने महाराज ने। मैं कहा पहली गल तो यह है सिख बुत पूजक नहीं किसी बुत की पूजा नहीं सिख करता चाहे वह बुत किसी गुरु का बनया हो चाहे किसी देवी देवते का बनया हो। तुसी किदां फोटो तरह तरह दियां लाईयां ने वन सवन्ने बाबियां दियां फोटो लाईयां ने अगे अगरबत्तियां दिखाईयां ने तुसी अपने बच्चों सिखाओगे की
अगे मैं कहता जी साढ़े घर से बड़े रागी प्रचारक आए सानू यह गल किसी ने दसी नहीं। मैं कहा दुखान तो यो गल है कि अज जे वो तुहानू दस दे तुसी अगली बार घर नहीं सी लैके आना। पक्की गल तो यह है भी जे जे तो सियाने हो गए तो धनवाद करोगे शुक्र है भाई सानू तुहां दस्या। हुण मैं तुहानू सच्ची गल दसती कि तुसी आ टोटल काम कर्मकांड कर रहे हो। जिहड़ी बाणी कहिंदी बुत पूज पूज हिंदू मूए तुरक मूए सिर नाई, जिहड़ी बाणी बुत्तां दी पूजा तो सानू रोकदी है, कदी सोच के वेख्या है कि वह लोग ओ सतगुरु पातशाह जी अपने बुत अपनियां फोटोआं बनाउण दी इजाजत किवें देणगे? कभी सोचने का यत्न किया? जिहड़े सवेरे उठ के अपने बच्चों यह सिक्ख्या देने पुत बाबा जी नूं मत्था टेको, यह बाबा जी की फोटो नूं मत्था टेको। सिख का सिर शब्द गुर मूरत गुर शब्द है। आ तुसीं किड्डियां सोहणियां फोटोआं लाईआं ने, आ है असल च गुर मूरत। गुरुद्वारां विच इह चाहीदा है। मैं पहले दिन आण के बड़ा गदगद होया सी वी आ है असल च धुरकी बाणी आई तन सगली चिंत मिटाई। इदां दे मोमेंटो बना बना के घरां च लाउणे चाहीदे ने। तुसी वधाई दे पात्र हो। इदां दा सिस्टम सानू हर घर विच इदां दीआं शब्दां दीआं फोटोआं होण वी खसम छोड़ दूजे लगे डुब्बे से बण जा रहा। आपस विच पति पत्नी सलाह करे भागां वाड़िए आपां खसम मालक नूं छड़ के पासे नहीं जाणा। पर साढ़े घरां च वन सोनिया बाबियां दीआं तरह तरह दीआं फोटोआं लिया के ला दित्तियां। जिदां दा गुरु पातशाह दा पहरावा फोटोआं ते विखा दित्ता बनाउण वालिआं ने, गुरु पातशाह उदां दा पहरावा नहीं सी पाउंदे। माला दा खंडन सतगुर ने किया, गल विच माला पवा दित्तियां। जिहड़िआं कर्मकांडां तों सतगुर की बाणी रोकदी नहीं, सारे कर्मकांड गुरु पातशाह दीआं फोटोआं ते ला दित्ते। चाहीदा पता की है? आ कर्म करो। निके निके मिंटो फोटोआं दे बना के घरां विच लाउणे शुरू कर दिए, बच्चे बच्चियां अर्थ पढ़न सानू समझ आ जाए। कहिंदा चलो ज्ञानी जी फिर अगे तो असीं कोशिश करदे आं इह ला दिंदे आं, फिर फोटो कहिड़ी लाईए? मैं कहा शब्दां दी लाओ, कोई शब्द लिख लो, आसा की वार दी कोई पौड़ी लिख लो, जित मिलिया खसम संभालिया। बार बार वो तुकां अपने जीवन दे विच याद करो, बार बार वो विचारां अपनी जिंदगी विच समझण दा यतन करो भी सतगुरु है बोहे था विरले किने विचारे आ। सतगुरु विटों वारे आ जित मिलिया खसम संभालिया, मैं गुरु तो कुरबान जाना हाँ। सतगुरु विटों वारिया जित मिलिया खसम संभालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इनी नेत्री जगत निहालिया। शब्दां दीआं फोटोआं अपने घरां विच लाईआं जाण, शब्दां नूं अपने सामने लाया जाए, उन्हां शब्दां दे अर्थ पढ़े जाण, अर्थ पुछे जाण, तां कि असीं बाणी अनुसार अपना जीवन बनाउण विच कामयाब हो सकीए। जे करना ही है तां इदां दा कोई उपराला कीता जा सकदा, पर असीं इस बन्ने तुर नूं भागां वाले अजे तैयार नहीं हां। यतन नहीं करदे असीं कि कोई इहो जिहा उपराला कर सकीए। ताई बाबे कबीर ने कहा सी दीन विसारियो रे दीवाने, दीन विसारियो रे पेट भरियो पशुआ जो सोयो। पशु तो फिर भी चंगा है, पशु मिलना चंगे आईया खड़ खावे अमृत दे। पशु दे ते दुध दा किन्ना काम आउंदा है। पशु एक बंदे दे घर विच रखिया पर उहदा दुध किन्नियां लोकां दे घरां विच जांदा है। उहदा दुध काम आउंदा है, मक्खण काम आउंदा है, दही काम आउंदा है, किन्ने पकवान दुध नाल तैयार किए जाते हैं। पशु मिलें चंगियाईयां खड़ खावे अमृत दे, नाम भी हुणे आदमी त्रिग जीवन कर्म करे। नामदार ते गुणा तो सखणे बंदे फिटकार योग है जीवना। बाबा कबीर जी फरमाते हैं साध संगत कबहू नहीं कीनी। हे बंदिया तू साध संगत नहीं की, साध अर्थ की है गुरु, तू गुरु की संगत कदी नहीं की। रचियो तंदा झूठ, झूठिया तंदा, झूठे तंदे का अर्थ कहते हैं ना समझ लो भी दुकान में झूठा तंदा कहते हैं। कई इदा समझते हैं भी शायद फैक्ट्री झूठा तंदा है, कारोबार झूठा तंदा है। ना ना ना, ये तंदे कर ली सतगुरु ने कहा है, तू अपनी दुकान चला, कारखाना चला, मेहनत कर, यह झूठा तंदा नहीं। झूठा तंदा है वकारी होना, वकार भोगने झूठा तंदा है। अपने अंदर काम क्रोध लोह मोह की बिरती रख के जिंदगी जूनी झूठा तंदा है। दुकाना करनिया थोड़ा माड़िया ने, बिजनेस व्यापार करना झूठा तंदा नहीं, पर उस धंधे विच तेरी किरत एक नंबर दी होवे। जे वह किरत विच मिलावट है फिर धंधा दो नंबर दा है, फिर विच धंधे च कुछ खोट है। साध संगत कबहू नहीं कीनी,
रचियो तंदे झूठ। आ सुनना हुण, तीन जून प्रैक्टिकल मनुख भोग रहे, सवान सत दी संगत ना करके तू सवान दी जून भोग रहे, क्योंकि कूकर लोभी है, बंदिया तेरे अंदर भी लोभ है। सुवान सूकर, सूकर का अर्थ की है सूर, सूर गंदगी खांदा है, बंदा नहीं खांदा, अखां नाल गंदगी खांदा है, कन्नां नाल गंदगी खांदा है, जुबान नाल गंदगी खांदा है। कहिंदे इंसान भी तो सूर दी जून भोग रहा है। बायस, बायस कहिंदे कां नूं, कां मक्खण दे पेड़े च भी चुंज मार जांदा है, रोटी दे उस आटे दे विच भी चुंझ मार जांदा। हुण ते किचन बने ने ना अंदर, जिहड़े पिंडां च आम घर हुंदे ने उह आम खुले वेड़े च ही रोटियां भैणां बजुर्ग मावां जिन्हां ने कदी पुराने समें तंदूर ते रोटियां पकदियां हुण वेखियां, उत्थे कई वारी कां बाहरों ही आण के रोटी चुक के लै जांदा सी, उह कई वारी आटे विच चुंझ मार जांदा सी। हुण कोई आटे चुंझ मारदियां कां नूं वेखे, मक्खण च चुंझ मारदियां वेखे, कोई कहे कां ते हुण चंगियां चीजां खाण लग पिया, कां हुण गंदगी चुंझ नहीं मारेगा, यह हो ही नहीं सकता। कां ने अपनी कुल थोड़ा बदनाम करनी है, कां गंदगी चुंझ जरूर मारेगा। बंदा भी कां की जून भोग रहा है, जदों यह बाणी सुनता है मक्खण चुंझ मार रहा हुंदा है, जदों यह कीर्तन कथा सुनता है उदों यह मक्खण दे नाल दा नाता हुंदा है, जदों फिर वकार भोगदा फिर गंदगी चुंझा मारदा है, जाके फिर गंदे थां ते जाके मूंह मारदा है। साध संगत कबहू नहीं कीनी, रचियो तंदे झूठ। सुवान सूकर बायस जिवें भटकत चालियो ऊठ। कहिंदे जिवें तिन्ने भटक रहे ने इदां ही तू भटक रहा है। बंदे अंदर कां भी हैगा, बंदे अंदर सुवान भी हैगा, ते बंदे अंदर सूर भी हैगा। यह हंस किवें बन सकदा, यह भी तरीका दस्या। अमृतसर सतगुर सतवादी, गुरु अमृत का सरोवर है। अमृतसर लफ्ज इत्थे गुरु वास्ते आया, क्योंकि यह शब्द गुरु रामदास जी का है, तो गुरु रामदास जी दे वेले अमृतसर का नाम अमृतसर नहीं सी, चक रामदास सी। अमृतसर लफ्ज गुरु अर्जन साहब वेले प्रचलित होया। अमृतसर कौन? सतगुर, तुहाडे कोल ही अमृत का सरोवर गुरु है। अमृतसर सतगुर सतवादी, जित नहातै कौआ हंस हो है। जिहदे विच कां वी आण के नहावे ते हंस बन सकदा। कां कौन है? वकारी। हंस कौन है? मोती खाण वाला। इत्थे को मनमुख बंदा आ जाए, वकार भोगदा भी गुरु कोल आ जाए, गुरु ओहनूं ओहदी कां वाली जून चों कढ के ते ओहनूं हंस बिरती दे के चंगियां विचारां दा मालक बना सकदे हन, सुभा बदल सकते हैं। अमृतसर सतगुर सतवादी, जित नहातै कौआ हंस हो है। सुवान सूकर बायस जिवें भटकत चाले ऊठ। आपस को दीर्घ कर माने, जदों बंदा इन्हां जूनां नूं भोगदा है ना जिउंदिआं, ते फिर बंदा वड्डा अपने आप नूं समझदा, गुरु की मत लैण नूं तैयार नहीं। आपस को दीर्घ, दीर्घ कहते ने वड्डा, आपस को दीर्घ कर मन औरन को लग मात। लग मात पता क्यों दी? लगा मात्रा पंजाबी लिखी है ना, ते मम्मे नू कन्ना, तत्ते नू कन्ना माता, पप्पे नू सियारी, तत्ते नू कन्ना पिता, जड़िया लगा मात्रा ने। ते लगा मात्रा तो बिना शब्द का सही उच्चारण ने, जिन्होंने तुहाडे जो पंजाबी का व्याकरण पढ़िया होवे, लगा मात्रा ना लाओ, किसे शहर का नाम नहीं पा सकते। पिता लिखना, माता लिखना, पुत्र लिखना, धी लिखना, लगा मात्रा पैनिया ही पैनिया। कई बंदे अपने आप नूं अखर समझ बैठते ने। आपस को दीर्घ कर माने दूजिया नूं, और अनको लग मा दूजिया नूं लगा मात्रा। ते सतगुरु जी कहण लगे, ओ भलिया तेनूं पता होवे लगा मात्रा तो बिना शब्द का सही उच्चारण। इत्थे उच्ची जात वाले अपने आप नूं अखर समझदे सी, शूद्रां नूं लगा मात्रा समझदे सी। सतगुर ने हक दित्ते बराबर दे। इत्थे ऐसा भी एक फिरका रहा जिहड़े कहिंदे सन भी शूद्र कन्नां दे नाल सिक्का, कन्नां दे नाल मंत्र नहीं सुन सकदा, जे सुने
ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਵੀ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿੱਲੀ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ ਬਿੱਲੀ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਲੈਂਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ ਪਾ ਕੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਪ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਪਾਪ ਲਵੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਹਾਗੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਠੇ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਏਡਾ ਉੱਚਾ ਪੂੜੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਵਰਤਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਖੀਰ ਉਸ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਪ ਲੈਣਾ। ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਸ਼ੂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀਆਂ ਪੂੜੀਆਂ ਅਤੇ ਖੀਰ ਖਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਪਾਪ ਲੱਥੂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਿੱਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲੋਂ ਮਰ ਜਾਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਸੁਹਾਗਾ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਟੋਕਰੇ ਕੇ ਪੂੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂ, ਬਿੱਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰ ਪਾਪ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਪਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਾਪ ਘੱਟ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਰਹੀ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਦੇਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਖਲਾਸੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਫਿਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰੋਜ਼। ਮਾਤਾ ਝੂਠੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਝੂਠੇ ਹੀ ਫਲ ਲਾਗੇ ਆਵੇਂ ਝੂਠੇ ਜਾਏ ਵੀ ਝੂਠੇ, ਝੂਠੇ ਮਰੇ ਅਭਾਗੇ ਕਹੋ ਪੰਡਤ, ਸੂਚਾ ਕਮਲ ਠਾਉ ਜਹਾਂ ਬੈਸਹੋ ਭੋਜਨ ਖਾਉ। ਮਾਤਾ ਝੂਠੀ, ਮਾਂ ਵੀ ਝੂਠੀ, ਪਿਓ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਬਾ ਝੂਠੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਝੂਠੀ ਜਿਹੜੀ 24 ਘੰਟੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਬਾ ਝੂਠੀ ਜ਼ਬਾਨ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਨੇਤਰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੇਈ ਨਰ ਸੂਚੇ, ਸੂਚੀ ਕਰੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁੱਚੇ ਉਹ ਨੇ। ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੂਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਝੂਠ ਨਾ ਰਾਗੀ ਝੂਠ ਨਾ ਵੇਦੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕੀ ਭੇਦੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਅੰਨੀ ਝੂਠ ਨਾ ਨਾਈ, ਝੂਠ ਨਾ ਮੀਂਹ ਵਰਿਆ ਸਭ ਥਾਈ, ਝੂਠ ਨਾ ਧਰਤੀ ਝੂਠ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਪਾਉਣੇ ਮਹੇ ਸਮਾਣੀ, ਮੂੰਹ ਫਿਰਿਆ ਆ ਝੂਠਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਫਿਰਿਆ ਮੁੱਖ ਝੂਠਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਿਗੁਰਿਆ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਅਸਲ 'ਚ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 15 ਵਾਰੀ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਨਾਨਕ ਨਿਗੁਰਿਆ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਫੇਰ ਲਿਆ, ਮੁੱਖ ਝੂਠਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਆਪਸ ਕਉ ਦੀਰਘ ਕਰ ਮਨ ਔਰਨ ਕਉ ਲਗ ਮਾਤ, ਮਨਸਾ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਚਾ ਬਚਨਾ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਨਾ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਮਨਸਾ ਬਾਚਾ ਕਰਮਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਦੋਜ਼ਕ ਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਰਗੀ ਇੱਥੇ
हालत हुंदियां वेखी उन्हां दी, दोजक दोजक वर्गी अग विच सड़दियां वेखिया। मैं देखे दोजक जात कामी क्रोधी चातुरी चलाकी बाजीगर बेकाम, बेकाम दा अर्थ निकम्मे, किसे काम जोगे नहीं, बाजीगर बेकाम निंदा करते जन्म सिरानो कबू ना सिमरियो राम। तेरी मत नहीं कदी लई महाराज, चंगे बंदियां ते तोमतां लाउणियां आउंदियां नहीं, चंगियां बंदियां दे उत्ते अपने कोलों गल्लां बना के उन्हां नूं बदनाम करना आउंदा है। जिन्हां ने सुतियां कौमां जगाईयां होण, लोकां बदले रिस्क लिया होवे, समें दियां हुकूमत सरकार नाल मत्था लाया होवे, चार टुकड़ियां दे बदले उन्हां बारे अपने कोलों गल्लां बना के बदनाम ते करना आउंदा है, निंदिया करनी ते आउंदी है। आप बेकाम आ, निकम्मे आ, किसे काम जोगे नहीं। आप ना दे चुरू पर पानी ते निंदे जे गंगा यानी, अवरन हस्त आप हैं काणे, दूजियां नूं हसदे ने आप काणे ने। बाबा कबीर की कहोगे इहो जिहे बंदियां नूं, कहिंदे तिनको देख कबीर लल जाणे। उहनां नूं वेख के ते कबीर जी कहिंदे मैनूं वी शर्म आ जांदी कई वार वी किहो जिहे बंदे संसार ते पैदा हो गए। अखीर ते निचोड़ कर दिता बाबे कबीर ने, कहे कबीर चेते नहीं, हे कबीर तू चेते क्यों नहीं करदा, कहे कबीर चेते नहीं मूरख मुगद गवार। हे मूरख, हे मुगद, हे गवार इंसान, तू क्यों नहीं रब दे गुण चेते करदा। राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार, तू किवें पार लंघेगा, किवें बुरियां आदतां तों, बुरे भयंकर संसार तों किवें बचेगा। सच दे गुण ग्रहण कर, सच दी विचार अपने पले पा। समुचे शब्द दी विचार इत्थे समाप्त हुंदी है कि चंगे गुण वस जाण, चंगियां विचारां आ जाण, सानू सच दी सोझी पै जाए ते बलहारे जाइए ऐसे गुरु तों जिहड़ा गुरु सानू वहमां भरमां पखंडां कर्म कांडां तों मुक्त करदे हन। आओ एक बार दोहराओ इन्हां पंक्तियां नूं, पूले मार्ग जिने बताया, पूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, ऐसा गुरवड भागी पाया, पूले मार्ग जिने बताया, पूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, ऐसा गुरवड भागी पाया, मालिक जी कृपा करन अपनी जिंदगी विच गुरु की बख्शिश के पात्र बनदिया होया वहम परम पखंड त्याग के सतगुरु की बाणी की रहनुमाई हेठ अपना जीवन जीना शुरू कर दीए। लगातार चार दिन के दीवाना विच आप दे इस इलाके विच हाजरी भरी है। इथों के समुचे नौजवान वीर, गुरद्वारा साहब की प्रबंधक कमेटी, इथों के सारा गुरद्वारे का स्टाफ, हैड ग्रंथी वीर रागी सिंह वीर, भैणा संगत सारिआं दा तहि दिलों धन्नवाद। बड़ी एकाग्रता दे नाल आप जी ने बैठ के सरवण किया है। मालिक चढ़दी कला बख्शिश करे, अरदास है मालिक दे चरणा विच असी नरोल गुरु दी विचार दे मालिक बन के अपनी जिंदगी चो वहम भरम पखंड कर्म कांड त्याग के अपना जीवन सोहना बना सकीए। विचारा करदिआं अनेक पुल्लां मेरिया, बचन चंगा लगा होवे मेरा नहीं, सतगुरु जी दा जाण के हिरदे विच वसाउणा, अपने बच्चे बच्चियां नूं सिक्खी नाल जोड़न वास्ते साडा सारिआं दा प्रथम दे तौर ते फर्ज बनता है। यतन करिए, अपने बच्चियां नाल थोड़ा बहुता समा गुजारीए, सिक्खी दी विचार दसण दा यतन करिए। गज के बुलाओ फतेह आखो जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।